आदमी हिंदू धर्म के उसे बाहर निकलने के रास्ता बाबा साहब ने हमको दिखा दिया कि हिंदुओं को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना हिंदू पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने की है, मैं केवल अपने प्रतिज्ञाओं को दोहराऊंगा क्योंकि एक नंबर पर कार्यक्रम है और हमारे किसी का आयोजन है, उनको ज्यादा संदेश है। दूसरी प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने हमारे लिए रखी वो है, मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। इस प्रतिज्ञा को ध्यान से सुने और अपने जहन को लेकर जाए, तभी बहुत से फायदा हो सकता है। तीसरी प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने की और हमारे लिए इन्होंने प्रतिपादित की ये है, मैं गौरी गणपति जैसे हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को न मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा किसी प्रकार के देवी देवता को। चौथी प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने प्रतिपादित की ये इस प्रकार है, ईश्वर ने कभी अवतार लिया है इस पर मेरा विश्वास नहीं है। और पांचवी प्रतिज्ञा, मैं कभी भी ऐसा नहीं मानूंगा कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, ऐसे विचार को मैं पागलपन और झूठा समझता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो दूसरी परंपरा के लोग हैं जैसे हिंदूवादी या मनुवादी या दूसरे नामों से जानते हैं, उन लोगों ने खास करके जो शंकराचार्य थे उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ही विष्णु को नौ अवतार घोषित कर दिया। उन्होंने पहली बार धर्म को मिटाने की कोशिश की लेकिन जो धर्म को ना मिटा पाए, बुद्ध की शिक्षाओं को ना मिटा पाए, तो बुद्ध की शिक्षाओं को भी अपने हिंदू धर्म में उन्होंने कुछ हद तक परिवर्तित रूप में स्थापित किया और बुद्ध को नौ अवतार घोषित कर दिया। तो नेक्स्ट प्रतिज्ञा, मैं कभी श्राप नहीं करूंगा और नहीं पिंडदान करवाऊंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई आचरण नहीं करूंगा। और आठवीं प्रतिज्ञा, मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। जैसा कि सभी को विदित है तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने ही ब्राह्मणों का विरोध सर्वप्रथम इस भारत भूमि पर किया और बाबा साहब ने उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। तो मैं यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं कभी कोई भी क्रियाक्रम या कोई भी कार्यक्रम ब्राह्मणों के हाथों से न करवाऊंगा। नौवीं प्रतिज्ञा जो बाबा साहब से प्रतिपादित की वो इस प्रकार है, मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य समान हैं। और दसवीं प्रतिज्ञा, मैं समानता की स्थापना का प्रयास करूंगा जो कि हमारे संविधान में भी इनको स्थान दिया गया है। मैं ग्यारहवीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने लंबी रिसर्च के बाद लंबी तपस्या के बाद अष्टांगिक मार्ग का अन्वेषण किया ताकि मनुष्यता को उनके उसके दुखों से छुटकारा दिलाया जा सके। इसके आठ रंग हैं इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया गया है। बारहवीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के द्वारा बताई हुई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। 10 पारमिताएं बुद्ध धर्म का एक आधार स्तंभ है, इसमें दान आदि पारमिताएं आती हैं, तो इन पारमिताओं का पूरी तरह से पालन करूंगा। और 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। जैसे कि अभी हमने 5 सील लिए थे, प्राणादि पाता वीर मणि सिक्का पदम समाध्यामी, तो उसी का रूपांतरण है। और 14वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा, इसका भी हमने अभी हमने सील ग्रहण किया था। 15वीं प्रतिज्ञा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मूसा पाता वीर मणि सिक्का पदम समाध्यामी, इसी का रूपांतरण है। 16वीं प्रतिज्ञा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, ये भी हम अभी सील में ले चुके हैं कामेश्वर इच्छाचार वीर मणि सिक्का पदम समाध्यामी के रूप में। मैं श्राप नहीं पीऊंगा, इसकी भी अभी हमने 5 सीलों के अंतर्गत 5वीं प्रतिज्ञा की थी। और 18वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब ने जो प्रतिपादित की है, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों प्रज्ञा शील और करुणा पर ढालने का प्रयास करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं मानव मात्र के विकास के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूर्णतः त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। इसमें एक शब्द लिखा है कि मैं अपने पुराने हिंदू धर्म को क्या करता हूँ, क्योंकि उस समय की मान्यताओं के अनुसार हमारे जो पूर्वज थे वो ये मान चुके थे कि हमारा धर्म हिंदू ही धर्म है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया कि हमारा धर्म
और वाजिब प्रतिज्ञा मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धर्म के अनुसार ना आचरण करूंगा। बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण जैसे ये मैंने तीन शरण लिए, बुद्ध धर्म और सांग जो बुद्ध धर्म के तीन रत्न हैं उनकी शरण में रहे, उसके बाद पांच सील जो हम आम लोगों के लिए निर्धारित किए गए हैं और पांच सीलों का पालन करेंगे और भी जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात कर रहे थे उस अष्टांगिक मार्ग के अनुसार हम अपना आचरण करेंगे। अष्टांगिक मार्ग के आठ संघ हैं। इसके बाद क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं प्रतिज्ञा इन्हीं सीलों इन्हीं जो पांच सील हैं जो दृष्टांत हैं और पुराने जो भारतीय समाज था उसमें जो गणतंत्र व्यवस्था थी तथागत गौतम बुद्ध के समय जो गणतंत्र व्यवस्था थी उसको आधार मानते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत का संविधान और उसकी जो प्रस्तावना है ये उसको पूरी तरह से ये स्पष्ट कर देती है कि हम किस तरह का भारत किस तरह का समाज यहाँ पर बनाना चाहते हैं और बाबा साहब किस तरह का समाज किस तरह का भारत अपने इस देश को बनते हुए देखना चाहते हैं चाहते थे। तो हम उस प्रियमन को संविधान की उस प्रस्तावना को भी यहाँ पर आपके समक्ष पढ़ना चाहेंगे क्योंकि ये भी जरूरी है कि हम इसको ध्यान रखें कि भारत का संविधान हमसे क्या अपेक्षा करता है, सरकार से क्या अपेक्षा करता है, समाज से क्या अपेक्षा करता है। तो मैं उन्हीं शब्दों को आपके सामने रखता हूँ जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। उसमें कुछ शब्द 76 में कुछ चेंज हुआ था लेकिन उसके अनुसार जो प्रस्तावना है मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें तीन शब्दों का यहाँ पर देखा, बंधुता समता स्वतंत्रता। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं ऐसे धर्म को धर्म मानता हूँ जिसमें समता स्वतंत्रता और बंधुता इन तीन विचारों को समाहित किया गया है। तो उन्होंने इसी चीज को देखते हुए भारतीय संविधान में भी स्थान दिया है। तो इस प्रकार के हमारा कार्यक्रम आरंभ होता है, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।